इंडियन ओशन में एक बार फिर भारत की बड़ी कामयाबी सामने आई है। भारतीय नौसेना ने ईरान के मछली पकड़ने वाले जहाज अल कामबार 786 को सोमाली लुटेरों से छुड़ा लिया। इसके अलावा उसके 23 पाकिस्तानी क्रू मेंबर को भी बचा लिया है, जो इंडिया जिंदाबाद कह रहे हैं। इंडियन नेवी का शुक्रिया, इंडिया जिंदाबाद। ये पूरा ऑपरेशन किस तरह हुआ और भारत की नेवी की ताकत अब पूरी दुनिया क्यों मान रही है, ये हम समझेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है रुद्र शिव और ये है वर्ल्ड नाउ। इसराइल और हमास के युद्ध के बाद लाल सागर में हूती विद्रोहियों का हमला जहाजों पर शुरू हो गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए सोमालिया के समुद्री डाकू भी एक्टिव हो गए, जो जहाजों को हाईजैक कर रहे हैं। भारत ने अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए नौसेना को अरब सागर में तैनात किया, जिसे 100 दिन हो चुके हैं। नेवी को तैनात इसलिए किया गया था कि भारतीय जहाजों की सुरक्षा हो, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाला भारत उन सभी की मदद कर रहा है जो मदद मांग रहे हैं। 29 मार्च को नेवी ने ईरानी जहाज अल कामबार और उसके 23 पाकिस्तानी क्रू मेंबर को 9 हथियारबंद लुटेरों के चंगुल से छुड़ा लिया। करीब 12 घंटे तक चली कार्रवाई के बाद भारतीय नौसेना ने इन लुटेरों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। इससे पहले 16 मार्च को भारत ने बुल्गारिया के जहाज एमवी रुएन को सोमाली लुटेरों से छुड़ाया था। 35 लुटेरों ने दिसंबर में इस जहाज को उसके 17 क्रू मेंबर के साथ हाईजैक कर लिया था। जब जहाज को छुड़ाया गया तो बुल्गारिया के राष्ट्रपति रूमेन रदेव ने भारतीय नेवी की तारीफ करते हुए धन्यवाद दिया था। लेकिन क्या पाकिस्तान ऐसा करेगा? दरअसल वह नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक एहसान फरामोश देश है। फरवरी में भी इसी तरह के ऑपरेशन में पाकिस्तानियों को बचाया गया था, तब भी पाकिस्तान ने किसी तरह की कृतज्ञता नहीं दिखाई थी। अब आखिर दुनिया भारत के लगातार एक्शन को लेकर क्या सोच रही है? दरअसल दुनिया इंडियन नेवी का लोहा मान रही है। कई एक्सपर्ट्स सवाल कर रहे हैं कि चीन की नेवी दुनिया में सबसे बड़ी है, लेकिन वह जहाजों को नहीं बचा रहे हैं, जबकि इंडियन नेवी अपने तट से हजारों किलोमीटर दूर पर ऑपरेशन कर रही है। इस तस्वीर को देखिए, जिसमें दो बड़े बड़े नेवी के जहाज हैं और इनके बीच में एक छोटा सा जहाज। इसे देखकर आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि इतनी बड़ी नेवी के सामने तो लुटेरे सरेंडर कर ही देंगे, ये कौन सी बड़ी बात है? दरअसल बड़ी बात जहाजों को सिर्फ छुड़ाना नहीं, बल्कि हॉस्टेजेस को बचाना और इन समुद्री लुटेरों को सरेंडर कराना है। इस आर्टिकल को पढ़िए। 2011 में सोमाली लुटेरों ने 4 अमेरिकी नागरिकों को मार डाला था, क्योंकि यूएस नेवी ने जहाज को बचाने के लिए बस छोटा सा एक्शन किया था। इंडियन नेवी जब से रेस्क्यू कर रही है, तब से ऐसा कोई भी हादसा नहीं हुआ। भारतीय नेवी लुटेरों पर दबाव बनाकर उन्हें सरेंडर को मजबूर करती है। अब सवाल कि आखिर इंडिया इतनी दूर समुद्री लुटेरों से जहाजों को क्यों छुड़ा रहा है? तो इंडियन ओशन इंडिया के ही नाम से बना है। यहां का बादशाह भारत नहीं तो क्या पाकिस्तान होगा? सहमत हो तो वीडियो लाइक कीजिए और वर्ल्ड नाउ सब्सक्राइब कीजिए।